अभी भी बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़, और करीब 2 घंटे हो चुके हैं मुझे धौलागुआ स्टेशन से, और अभी भी यहीं पे फंसा हुआ हूँ। ओ भाई साहब, क्या बात है, प्लेन। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ अभी गुड़गांव में, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा था, और आज मुझे गुड़गांव से जाना था, मुझे लक्ष्मी नगर प्रीत विहार के आसपास मुझे जाना था, और वहाँ पे जो भी सामान वगैरह मेरा रखा हुआ है, उसको मुझे लेके कहीं और जाना है। तो अभी चीज़ें थोड़ा सा समेटने में टाइम लग रहा है, तो इसीलिए आज निकलना था मुझे सुबह, लेकिन सुबह का मौसम, गुड़गांव का क्या बेहतरीन मौसम हो रहा है, लेकिन इस मौसम के चक्कर में मेरा जो काम है वो अटका हुआ है। तो अभी मौसम दिखाते हैं पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं। आज के दिन मुझे यहाँ से निकलना है, निकल के मुझे जाना है लक्ष्मी नगर। वहाँ पे चंचल के पास में मैं रुका था, मेरे फ्रेंड के पास में मैं रुका था, वहाँ पे सारा सामान वगैरह मेरा रखा हुआ है, सैडल बैग, ट्रैकिंग बैग, टॉप बॉक्स, हर चीज़ वहीं पे लगकर रखी हुई है। और वहाँ से चीज़ों को लेके मुझे जाना है नोएडा। और आज का जो भाई सीन ऐसा बन गया है कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मुझे लगता नहीं कि ये कब तक रुकेगी, टाइम तो लग जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। वेलकम बैक टू माई चैनल MTV मधु, आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी बारिश रुकने का वेट करते हैं और फिर यहाँ से देखते हैं फिर कैसे क्या सीन रहता है। 2 hours later. तो जी अभी भी बारिश हो रही है कंटिन्यू, और करीब 3 घंटे कंटिन्यू बारिश हो रही है, और अभी बज रहा होगा 2:45 के आसपास, और नीचे अभी गए थे थोड़ा बहुत, थोड़ा सा भीगे हुए हैं कंटिन्यू। अभी मैं निकल नहीं सकता हूँ लक्ष्मी नगर के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे ट्रैफिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है उस वहाँ पे पहुँचने के लिए, मुश्किल से मुश्किल 30 किलोमीटर है, और 30 किलोमीटर कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा मान के चलिए, वो भी दिल्ली NCR में। आप अगर बारिश हो रही है और बारिश में अगर निकल पड़े हैं तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी बस यही है सीन। आवाज़ क्या है, क्या आ रही है भाई? ओह अच्छा, दिखाते हैं एक चीज़। आवाज़ इसलिए आ रही थी भाई साहब क्योंकि यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है सेक्टर 17 का, और अभी लोगों की छुट्टियाँ चालू हो गई हैं, तो बच्चे निकल रहे हैं बाहर, तो वही सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बचपना याद आ गया भाई। तो जी बारिश बंद होने का इंतज़ार तो हम कर रहे थे सुबह से, और वो अभी भी हो रही है, और अब और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है, टाइम हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, और भूख लग रही है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मेड लगी हुई है और वो खाना बना के जा चुकी है, आलू भरे पराठे बने हुए हैं, तो उनको लेते हैं, गर्म करते हैं, निकालते हैं, प्लेट में सजाते हैं और उस पर खाते हैं। तो हमारे पास में है अभी आलू का पराठा, और थोड़ा सा अचार है, नमक है, और चाय के बिना आलू का पराठा तो भाई खाने में मज़ा ही नहीं आता, तो चाय भी है। पहला काम तो ये है कि हमको करना पड़ेगा इंतज़ार बारिश बंद होने का, और दूसरा काम ये है कि हमको करना है लंच, और मिलते हैं बस थोड़ी देर बाद, देखते हैं कि कब तक ये चालू रहती है। भाई साहब मैं क्या बताऊँ कैसे बताऊँ यार, सुबह से बारिश हो रही है, भाई शाम का बज रहा है 7:30 और अभी तक बारिश हो रही है, 3 दिन कंटिन्यू दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, नोएडा, हर जगह बारिश होगी भाई साहब, मतलब अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। पूरा का दिन ऐसे ही बर्बाद हो गया सिर्फ बारिश का वेट करते करते कि बारिश कब बंद होएगी। बस हो गया, पोपट हो गया आज का दिन यार, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। क्या यार चीज़ें होती हैं ऐसी। तो भाई अब आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, कल का दिन देखते हैं कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं है। ये देखिए भाई साहब क्या मस्त बिल्कुल बारिश हो रही है, इतना ट्रैफिक, कंटिन्यू ट्रैफिक लगा हुआ है पिछले 7-8 घंटे से, कंटिन्यू ट्रैफिक इसी तरीके से लगा हुआ है, और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो रही है, और बहुत तेज़ से हो रही है भाई। तो पता नहीं कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से मैं पहुँच पाऊँगा, जो प्लान था वो पोस्टपोन हो गया कल के लिए, अब कल देखते हैं कि वेदर सही होता है या नहीं होता है, तो कल देखते हैं और मिलते हैं थोड़ी
मिलते हैं कुछ घंटों के बाद। The next day. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट डे लग चुका है और दिल्ली और गुड़गांव, दिल्ली NCR पूरा ही वेदर फोरकास्ट में भाई साहब बहुत ही गड़बड़ चल रही है। सो जो बीता हुआ कल था, आज और कल आने वाला, उसमें तीनों ही दिन कंटिन्यू बारिश और वेदर फोरकास्ट में मतलब आंधी तूफान बारिश सारी चीज़ें दिखा रहा है। सो मैं रेडी हो रहा हूँ धीरे धीरे, और मैं बारिश भी देख रहा हूँ कि बारिश वापस से चालू ना हो जाए, क्योंकि जहाँ पर मुझे जाना है लक्ष्मीनगर के आसपास, तो वहाँ पे बारिश हो रही है ऑलरेडी। एक से डेढ़ घंटा मेरे को लगेगा एटलीस्ट। दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों को चूज़ करके मुझे निकलना पड़ेगा। कैसे क्या होता है सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों को GoPro पे बताऊँगा। तो भाई साहब मुझे पता नहीं कि वॉइस अच्छी रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, पता नहीं। तो गुड़गांव से निकल चुका हूँ और अभी जस्ट एक कन्फर्मेशन आया कि एक किसी स्पेशल पर्सन से मुझे मिलने जाना है। तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं, और अगर हो सका, अगर पॉसिबल हो सका तो बिल्कुल हम मिलवा देंगे आप लोगों से। और मुझे जाना है दिल्ली की तरफ, ये है इफ्को चौक, और इफ्को चौक से फिर मुझे जाना होगा उद्योग विहार होते हुए Terminal 3 होते हुए, फिर पालम विहार होते हुए उत्तम नगर। प्लान में भी चेंजेस हैं, लक्ष्मी नगर जाना था, लेकिन लक्ष्मी नगर पहुँचेंगे शाम को, लेकिन अभी इससे पहले एक स्पेशल पर्सन से मिलाप कर लेते हैं। भाई बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, अगर हो सका, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बिल्कुल आप लोगों को मिलवा दूंगा। और इस रोड को भाई साहब, उद्योग विहार वाली रोड है, और ये डायरेक्ट महिपालपुर होते हुए दिल्ली कनेक्ट हो जाती है। जब ग्रेजुएशन के बाद में आप काम करना चालू करते हैं, तो भाई साहब मैंने इस वाली रोड पर तो ये सारे ऑफिस मेरे ही थे भाई, मज़ा आ जाता यार। और सबसे सेकंड नंबर पे जो मेरा ऑफिस था वो था ये FIS, यहाँ पर भी मैं काम कर चुका हूँ अपना कॉरपोरेट सेक्टर का। ये मज़ा आ रहा है, 2014 के आसपास मैं यहाँ पे काम करता था, फिर उसके बाद सीधा चला गया यहाँ पे, मतलब इधर साइड पे है आपका DLF साइबर सिटी, यहाँ पे यस बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस था जहाँ पे NOC वगैरह बैठती है। तो दिन याद आ गया, दिन बन गया मेरा आज तो, पुराने दिन याद करके वाकई में मज़ा आ गया यार। अब मुझे एक चीज़ पता नहीं है कि वॉइस अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी नहीं हो रही होगी, आई रियली डोंट नो, बट जो भी है जैसा भी है अब यही है। अभी मैंने दिल्ली में पता किया तो दिल्ली में बारिश हो रही है, गुड़गांव में थोड़ा रुका हुआ है माहौल, लेकिन माहौल थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, माहौल थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, क्या ही बात है भाई साहब। तो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं एक एविएशन का बंदा हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, उसमें दो होते हैं, और नॉटिकल इंजीनियरिंग में दो इंजीनियरिंग होती है, एक होती है एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग और एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग करी है, 2013 पास आउट हूँ, और जो मेरी फर्स्ट जॉब थी वो मेरी थी IGI एयरपोर्ट Terminal 3 पे। तो यहाँ पे मैंने 2 साल T3 पे बिताए हैं, और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है मेरा। किंगफिशर डाउन हुई एयरलाइंस, और एविएशन इंडस्ट्री में कुछ भी बूम नहीं था, इसी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था उस फील्ड को। उसके बाद से फिर मैंने कॉरपोरेट ज्वाइन किया, और कॉरपोरेट ज्वाइन करने के बाद में फिर महिपालपुर यानी कि दिल्ली से और गुड़गांव का आना जाना चालू हो गया। तो अभी सीन कुछ और भी है कि मैं बता देता हूँ कि मेरा जो हॉर्न लगाया है, अब ये हॉर्न थोड़ा सा जस्टिस नहीं कर रहा है मेरी बाइक के साथ में, क्योंकि ओरिजिनल जो अपाचे के साथ में हॉर्न लग के आता है वो हॉर्न हो गया ख़राब, और क्योंकि इमरजेंसी में मुझे लगवाना ही था, और दिल्ली में बिना हॉर्न के तो आप चल नहीं पाएंगे, तो हॉर्न तो आपके बाइक में होना चाहिए, वरना आप जाम में फंसते रहेंगे और आप निकल भी नहीं पाएंगे। ओ भाई साहब क्या बात है, प्लेन इंडिगो का, हाय 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 हाय, पता नहीं आप लोगों को दिखा नहीं दिखा, लेकिन अच्छा लग रहा था। ये पालम विहार का एरिया है, थोड़ा थोड़ा ठंडक लग रही है, और उमस जो हो गई है बारिश की वजह से, उसकी वजह से गर्मी भी लग रही है, क्या ही कर सकते हैं। इस रेड लाइट पर रुका जाए ना रुका जाए, क्योंकि ये चलता हुआ रेड लाइट है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आसपास का इलाका दिख रहा है, ये है मधु विहार, और मधु विहार के आसपास जो आगे का इलाका पड़ता है ये तिरंगा चौक, यहाँ पर भी मैं रह चुका हूँ, करीब 1 साल मैं रहा हूँ इधर साइड में। तो और तिरंगा चौक पे तिरंगे के पोल में तिरंगा ही गायब है भाई साहब, मतलब बताइए ऐसा कैसे चलेगा यार, ऐसा कैसे चलेगा।
और सच्ची सच्ची बताऊं कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ ना भाई साहब, इतना जाम लगता है उस रोड पे, इस रोड पे इतना जाम लगता है कि क्या ही बताया जाए। और वो रोड है उत्तम नगर वाली, और उत्तम नगर वाली रोड को मतलब चौड़ा नहीं किया गया है और उस पर जाम बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे उत्तम नगर डिपो भी है और वहाँ से DTC की बसें बहुत ही ज़्यादा निकलती हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा जाम लगता है। अभी दिखाते हैं रोड, कभी आज तक तो मुझे खाली नहीं मिली, और आज बारिश की वजह से आई होप कि नहीं मिलेगी खाली, लेकिन देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। 2 से 3 सेकेंड ही बच्चे होते हैं भाई साहब, गलत ग्रीन लाइट ग्रीन होने का वेट भी नहीं करता, सीधा तुरंत निकल जाते हैं भाई साहब। The next day. बहुत ही ज्यादा जाम लगती है भाई इस रोड पे। एक तो भैया दिल्ली में ऊपर से जाम, तो भैया जाम तो होएगी भाई साहब, को तो नकारा नहीं जा सकता भाई। करोड़ों लोग तो हैं दिल्ली के अंदर, हर रेड लाइट पे लोग खड़े होते हैं, हर रेड लाइट अच्छी तरीके से काम कर रही है तब जाके इतना सिस्टमेटिक ढंग के ट्रैफिक चलता है दिल्ली का। को जाना है लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर भी उत्तम नगर से 30 किलोमीटर के आसपास दूरी है, तो पहुंचने में करीब टाइम तो लगेगा। और ऊपर जाना है नीचे जाना है ये गूगल चाची ने नहीं बताया है, 5 किलोमीटर मुझे जाना है, मुझे रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जिसका डर था वही हो गया भाई साहब, बारिश होने लग गई, कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई थी। उत्तम नगर से ज़्यादा 10 किलोमीटर आ पाया हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, और अभी भी 20 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है लक्ष्मी नगर। और वहाँ पे पहुँचते मैं सो लग रहा है मुझे कि मैं भीग जाऊँगा। एक्चुअली मुझे भीगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाली मेरा जो लैपटॉप है यार उसके ऊपर कवर नहीं है, बस थोड़ा सा चिंता का विषय मेरे लिए यही है कि लैपटॉप वगैरह भीग जाएगा बारिश में, बस खाली और कोई टेंशन नहीं है मेरे लिए। हे इंद्रदेव भगवान, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा आधा घंटा और रुक जाओ, बस पहुँच जाऊँगा मैं। सिर्फ हाफ एन आवर, ये आ गए हम धौला कुआं। भाई रुकना पड़ जाएगा यार, रुकना पड़ जाएगा भाई साहब, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज होने लग गई है भाई। मेरे साइड पे धौला कुआं स्टेशन है, यहीं के फुट ओवर ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ और बारिश का आनंद ले रहा हूँ। सीन यही रहता है कि आप कहाँ पे फंसे हुए हो और उस चीज़ को कैसे इंजॉय कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, वाकई में मज़ा आ रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, प्रॉब्लम मेरा बस मेरा यही है कि मेरे पास में है ये लैपटॉप बैग, और ये भीगना नहीं चाहिए, अगर ये भीग गया तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बस खाली इसीलिए रुका हुआ हूँ। बाकी मुझे भीगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मज़ा आता है। तो यार बारिश तो रुक नहीं रही है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि लंच का टाइम निकल चुका है और भूख भी लग रही है। यहाँ पे धौला कुआं पे बहुत सारे आउटलेट हैं, तो देखते हैं वहीं पे बैठते हैं जाके, और बारिश बंद होने का इंतज़ार भी करते हैं वहीं पे, लेट्स सी क्या होता है। भाई साहब पेट पूजा तो हो गई है, लेकिन चक्कर ये है कि अभी भी बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज, और करीब 2 घंटे हो चुके हैं मुझे धौला कुआं स्टेशन से, और अभी भी यहीं पे फंसा हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना वेट तो करेंगे ही, क्योंकि गैजेट अगर ख़राब हो गए तो भाई साहब काम बंद हो जाएगा सारा। 2 hours later. लेकिन मैं बता दूँ कि अभी टाइम हो रहा है करीब 8:30, और 3:30 बजे मैं उत्तम नगर से निकला था और अभी लक्ष्मी नगर में पहुँचा हूँ 8:30 बजे। कंटिन्यूस 4.5 घंटे तक मैं वहीं धौला कुआं में खड़ा रहा, और मजबूरन मुझे फिर वहां से निकलना पड़ा क्योंकि बारिश बंद हो नहीं रही थी, कंटिन्यू अभी भी बारिश हो रही थी। जब यहां मैं पहुंचा हूं लक्ष्मी नगर, यहां पे मैं आपको हालत दिखा देता हूं, मेरी हालत अभी इस टाइम पे क्या थी जब मैं ऊपर मैं चढ़ के आया हूं, तो इधर देखिए। तो भाई साहब ये मेरी रेड राइडिंग जैकेट रही, पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, देख लो यहाँ पे पानी चू रहा है,
ये राइडिंग पैंट बिल्कुल मतलब तरीके से, मतलब क्या कह सकते हैं, तरीके से गीली हो चुकी है। और इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जितने भी मेरे पास में गैजेट्स हैं, इन गैजेट्स से मैं जितने भी मेरे पास में गैजेट हैं आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें GoPro ये रहा, सारा चीज़ें गीली हो चुकी हैं, हर चीज़ गीली हो चुकी है, मैं क्या बताऊँ। Two hours later. तो भैया जी मैं बात बताऊं तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मतलब इंद्रदेव भगवान ने थोड़ा सा हमारे ऊपर कृपा कर दी है और रात में अभी इस टाइम पे 10:30 बजे के आसपास 9 बजे से थोड़ा बारिश बंद है। और मुझे फाइनली मुझे जाना था नोएडा लक्ष्मी नगर से, क्योंकि लक्ष्मी नगर में सारा सामान रखा था और नोएडा में सारा सामान मैं मुझे रखना था और फिर उसके बाद में प्लानिंग करनी थी आगे की। सोच रहे हैं कि ये रात में ही निकल के थोड़ा सामान वगैरह डाल दें, पता चले कि मॉर्निंग से फिर शाम तक बारिश हो रही है तो मैं निकल नहीं पाऊँगा फिर से। और रात में अभी थोड़ा मौसम सही है तो सोचा कि चलो निकल जाते हैं। तो पूरी बाइक मेरी लोड है, पूरी बाइक लोड करके मैं निकल चुका हूँ अभी नोएडा सेक्टर 73 और वहाँ पे अपना फ्लैट है, मतलब मेरा खुद का। रात का टाइम है, क्या ही दिखाएं अभी इस टाइम पे, तो बस हम खाली पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हमको मिलते हैं। हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात भूल हो, शायद किसी जन मुलाकात हो न हो। लग जा गले पहले 5 लीटर लगा है, अरे इच्छा की बात नहीं है, आप बताओ तो किस लिए, क्या है रीजन? रीजन है सर, रीजन। क्या रीजन है बाबा, अब आप कुछ भी कहो कैसे, बिना रीजन के तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब हो सकता है कि आपको पर्चे कहीं और लगानी हो भाई हमसे। हम पंप के काम कर रहे हैं, कहाँ बाहर लाएंगे? अरे वो बात अलग की भाई, टैंक फुल कर दो। नॉर्मल 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 जीरो। ठीक है चलो चलो भाई, टेंशन फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए बस। अब पेट्रोल एक्चुअली चक्कर ये है ना कि मैं जो ये मेरा जो फ्लैट है अभी सेक्टर 73 में, वहाँ से पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूरी है, इस वजह से मैंने आज डलवा ही लिया कि बात की, क्योंकि कल भी अगर बाई चांस कहीं निकलना हो जाए तो टेंशन हो जाती है फिर। ओके 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 मेरा काम अभी बच गया है, सिर्फ मेरे गैजेट्स और मेरी राइडिंग जैकेट और जितने भी कपड़े गीले हो चुके हैं, मेरे बैग वैग सारी चीज़ों को सुखाना, ये मेरा काम है अभी के लिए। और दूसरा काम है आप लोगों के लिए, वो है ये कि प्लीज़ सब्सक्राइब करा देना। और सबसे ज़्यादा टाइम जानते हो क्या मुझे लगा है कि गुड़गांव से और यहाँ लक्ष्मी नगर तक मैं 2 दिन में पहुँचाऊँ, किसी को नहीं लगा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, बाकी डेली काइंड ऑफ व्लॉग मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए, हो सकता है अभी के लिए मैं 2 दिन में डाल रहा हूँ और नेक्स्ट आने वाले टाइम पे हो सकता है कि मैं 1 दिन में 1 ही व्लॉग डालूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी कि कैसे क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर नए हो फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना MTV मदर। और सो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, डू वेलकम, सलाम, सस्ते का, बाय बाय।